नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है, बिहार की खबरों के साथ साथ दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आप तमाम लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज 15 नवंबर 2024 है, दिन शुक्रवार। तो आज 15 नवंबर की आइए जानते हैं 25 बड़ी खबरों को। पहले हम बात कर लेते हैं जॉब्स की, सरकारी नौकरी की। तो आईटीबीपी में कांस्टेबल सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 90,000 से ज्यादा, फीस 100 रुपए। बात कर लेते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट itbppolice.nic.in पर जाकर आवेदन आप कर सकते हैं। वहीं बिहार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। बिहार के कर्मचारियों पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को डीए यानी महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। 5 महीने का एरियर मिलेगा। एरियर मिलने के साथ बिहार कैबिनेट ने मेट्रो के लिए भी और रुपए जारी किए हैं। तो बिहार में कर्मचारियों की अब बल्ले बल्ले हो गई है। बिहार के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 3% बढ़ गया है। अब कर्मचारियों को 50% के बदले 53% डीए मिलेगा। बीते गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 39 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनरों के भी डीए बढ़ाने पर फैसला लिया गया, मुहर लगाई गई। वहीं पटना मेट्रो के लिए 115 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। कैबिनेट ने पटना मेट्रो को 115 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। यह राशि एडवांस दी गई है। इस राशि से मेट्रो का ट्रैक, लिफ्ट, एक्सेलेटर, एक ट्रेन और इसे चलाने पर राशि खर्च की जाएगी। नॉमिनेशन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी DMRC को भुगतान किया जाएगा। तो वहीं आगे की खबर बता दें कि एक साथ बिहार के 5 लाख शिक्षक बीते दिन अनुपस्थित, किसी की नहीं बनी हाजिरी, एक दिन कटेगा वेतन, क्या करेगा शिक्षा विभाग या वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि गुरुवार गुरु जी रहे परेशान, यानी गुरुवार को गुरु जी पूर्णतः पूरे बिहार के गुरु जी परेशान रहे। कारण यह हुआ कि समय से तो स्कूल पहुंचे लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जो ई शिक्षा कोश ऐप बनाया गया जिस पर हाजिरी बनानी है वह खुल ही नहीं रहा था। हाजिरी ऑफलाइन बनी लेकिन वह शो नहीं कर पाया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कोशिश की जा रही है। इसी के तहत शिक्षा विभाग ने नए नियम के अनुसार शिक्षकों को ई शिक्षा कोश से हाजिरी बनाने के लिए आदेशित किया है और 1 अक्टूबर से इसे जरूरी कर दिया गया है। जो नहीं बनाएंगे उनका हाजिरी कटेगा यानी वेतन कटेगा। तो यह गुरुवार के दिन गुरु जी के लिए परेशानी का सबब बन गया। इधर दलित और महादलितों को 1 लाख रुपए देगी अब बिहार सरकार। बिहार सरकार दलित और महादलित को जमीन खरीदने के लिए पैसे देगी। जिसके पास घर के लिए जमीन नहीं है उन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। नीतीश कैबिनेट ने सीएम गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 की शुरुआत की। योजना का लाभ भूमिहीन परिवार को मिलेगा। प्रति परिवार 1 लाख रुपए सरकार देगी, जिसमें कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। वहीं हम आपको बता दें कि पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है अंतरिक्ष का हत्यारा। वैज्ञानिकों ने दी भूकंप की बड़ी चेतावनी। यह बहुत ही आश्चर्यजनक चेतावनी है। अंतरिक्ष इतने दिन वैज्ञानिकों के लिए पहली बन चुका है, यानी आज जो है अंतरिक्ष आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहली बना हुआ है। पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह और क्षुद्र ग्रह हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि एक क्षुद्र ग्रह अपोसिस धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जब यह धरती के नजदीक होगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण खगोलीय भूकंप आ सकता है, जो कई परमाणु बमों के विस्फोट से निकली ऊर्जा के बराबर होगा। वैज्ञानिक पिछले 20 साल से इस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन कर रहे थे। क्षुद्र ग्रह के 13 अप्रैल 2029 में धरती के पास से गुजरने की संभावना है। इसे तबाही का देवता या अंतरिक्ष का हत्यारा उपनाम दिया गया है। तो यह बहुत बड़ी बात सामने आई है। वहीं तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट
एक सप्ताह के भीतर नए रोस्टर से कम हो गई सीटें। बिहार लोकसभा आयोग के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने जा रही है। आयोग के सचिव, हम कह सकते हैं कि आयोग के जो सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने मीडिया को बताया कि नए रोस्टर के हिसाब से एक सप्ताह के भीतर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं बिहार कैबिनेट ने 436 पद का क्रिएशन किया। पुलिस विभाग में 153 पोस्ट निकली है। पद है डीएसपी का 3, एसआई का 9, एएसआई का 18, सिपाही का 120, मुहर लग गई है। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा में 1,00,000 से ज्यादा कैंडिडेट हुए सफल। 21,000 पदों के लिए 12,00,000 अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। नई वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया गया है। बता दें केंद्रीय चयन पर्षद CSBC ने सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में इस बार 1,07,079 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। यह परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 रिक्त पदों को भरने के लिए ली गई थी। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि 6 साल तक के लिए 93.8 लाख बच्चों में सिर्फ 1,435 के स्वास्थ्य आईडी कार्ड बने हैं, जो चिंता का विषय है। वहीं घोटाला, एक चुनाव कर्मी ने रोज 10 प्लेट भोजन किया। 20,000 कर्मियों ने एक दिन में खाया 2,00,000 प्लेट भोजन। 2.49 करोड़ की बजाय 18 करोड़ का विपत्र जारी किया गया। लोकसभा चुनाव के सर्वे के ब्यौरे की जांच की गई, तब उजागर हुई गड़बड़ी कि एक व्यक्ति दिन भर में इतना प्लेट खा जाएगा। यह बड़ी बात सामने आई कि 10 प्लेट एक व्यक्ति खा रहा है। चमड़ा उद्योग में रोजगार देने के मामले में बिहार तीसरे पायदान पर। सूबे के 5,00,000 लोग चमड़ा उद्योग में कर रहे हैं काम। 91% लोग ग्रामीण इलाके में तो 74% पुरुष कर रहे हैं काम, तो यह बिहार की बात है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान दिवस 16 एवं 17 नवंबर के बाद 23 एवं 24 नवंबर को होगा अभियान दिवस। तो अगर नाम नहीं जुड़ा है वोटर लिस्ट में तो जुड़वाने के लिए आप पहल कर सकते हैं। वहीं सास बहू के रिश्तों में कड़वाहट घोल रहा है रील्स का जुनून। हल्दाही महिला सेल में आने वाली हर 5वीं शिकायत सास बहू से जुड़ी। 10 महीने में महिला सेल में 50 से अधिक रील्स से जुड़ी शिकायत आई है। महिला सेल काउंसलिंग कर मामले का निपटारा कर रही है। पति को दे रही है मायके में बस जाने की चेतावनी। सुनीता कुदर प्रभारी महिला सेल इंद्राणी का कहना कि रील्स बनाने को लेकर सास व बहुओं के रिश्तों में कड़वाहट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। महिला सेल काउंसलिंग कराकर समाधान भी कर रही है। तो इस प्रकार से रील्स जो है आपसी सामंजस्य को भी बर्बाद कर रही है। इधर पंचायत सरकार भवन में पोस्ट ऑफिस खुलवाने में अव्वल रहा भागलपुर। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में जानकारी निकल कर आई है सामने, और बहुत जल्द ही बिहार के हर जिले में पंचायत सरकार भवन जो है वह बनकर तैयार हो जाएगी। इधर नॉर्थ हर्टियंस रेलवे में मांगे अप्रेंटिस के 5,647 पदों पर आवेदन। तो इस आवेदन के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं, यह वैकेंसी निकाली गई है। वहीं अगली खबर हम बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि स्थानांतरण और पदस्थापन नीति शिक्षकों के हित में है। सुनील कुमार ने कहा कि नई नीति से अधिकांश शिक्षक संतुष्ट हैं। दिसंबर तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन इधर शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह शिक्षकों के लिए एक भयावह स्थिति बन गई है। शिक्षक परेशान है, डिप्रेशन में है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि डॉक्टर अमरदीप ने कहा कि पंचायतों में बाल सभा का होगा आयोजन। कार्यक्रम में बच्चे और उनके अभिभावक भी होंगे शामिल। निबंध, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं अक्षरा से रंगदारी मांगने के मामले में बमेश्वर मुखिया का पोता हुआ गिरफ्तार। शराब के नशे में होने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। फिलहाल रंगदारी मांगे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। तो इस प्रकार से लगातार बिहार में भी बातें रंगदारी मांगने की सामने आ रही है। इधर सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श विद्यालय, यानी पटना जिले के सभी सरकारी स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाने की पहल पटना जिले में किया जा रहा है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि मिथिला के पर्यटन स्थल विकसित अब होंगे। विद्यापति स्मृति पर्व
तीन दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन मिथिला की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। तो वहीं विजय सिन्हा ने कहा, बिहार में विकास का महायज्ञ चल रहा है। पीएम ने फिर 12,000 करोड़ की योजनाओं का बीते दिन किया शुभारंभ। इधर तेजस्वी यादव बोले, विकास कार्यों में भाजपा की सोच छोटी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में भाजपा की सोच सीमित और छोटी है। बीते दिन सुबह बयान जारी कर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सीमित सोच में राजनीति के अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पर भाजपाइयों से दूरदर्शिता की अपेक्षा करना बेकार है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि समान वर्ग के मतपत्र का रंग नारंगी या पीला होगा। पैक्स चुनाव को लेकर, पैक्स चुनाव में समान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मतपत्र का रंग नारंगी या पीला हो सकता है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने नारंगी रंग के कागज की कमी रहने पर पीला रंग के मतपत्र तैयार करने का विकल्प दिया है, तो इसको लेकर खास आया है। वहीं आज कार्तिक पूर्णिमा है और लाखों श्रद्धालु जो है डुबकी गंगा के साथ पुनपुन और अन्य नदियों में लगाएंगे और लगा रहे हैं। 15 नवंबर को भरनी नक्षत्र में पड़ रहा है कार्तिक पूर्णिमा। पूर्णिमा के मौके पर गंगा समग्र करेगी काली घाट पर आरती। तो जो व्यक्ति स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे गंगा में, तो उन्हें फल की प्राप्ति होगी, अच्छा विचार बनेंगे, यह जानकारों का मानना है। इधर पंचायती राज संस्थाओं में संविदा पर भर्ती होगी। निदेशक ने संविदा पर नियुक्ति करने का जिलों का दिया है खास निर्देश। इसके लिए नियुक्तियां निकाली जाएगी, जिलों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का 20 को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 200 से अधिक शिक्षकों को पटना में देंगे नियुक्ति पत्र। तो सक्षमता पास करने वाले शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक इस नियुक्ति पत्र को कह रहे हैं कि काला पानी की सजा के जैसा यह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। यह हमारा अपना घर से बेघर करने के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होता है कि शिक्षा विभाग आगे क्या फैसला लेती है। फिलहाल 25 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हम शामिल थे, उपस्थित थे, मौजूद थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो बिहार के खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।